सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वियो के टॉप 3 कंट्रोल सेंटर्स के बारे में। जी गाइस, मैं आपको 3 कंट्रोल सेंटर बताऊंगा और तीनों जो है आपको काफी यूनिक कंट्रोल सेंटर होंगे। अगर आप यूज करते हैं वियो के डिवाइस तो आप उसके अंदर जो है कंट्रोल सेंटर को ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये किसी भी डिवाइस पे आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर फोन के लिए, सभी फोनों के लिए है। तो चलो हम दिखाते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है गाइस, कैसे यूज करेंगे अपने फोन के अंदर एंड वो कंट्रोल सेंटर आपका फोन के लुक को, आपके फोन के लुक को किस तरीके से चेंज करता है। तो चलो हम डेमो कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है इस कंट्रोल सेंटर्स का। सो गाइस, हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों का डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके रखा है। पहला कंट्रोल सेंटर हमारा यहाँ पर है, इसको हम ओपन करेंगे। हमारे पास ये एक सिंपल इजी टू यूज कंट्रोल सेंटर है, इसको आप ओपन करिए। इसके साथ हम कुछ परमिशंस वगैरह एक्टिवेट करेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे फोन के अंदर दिखता है। ये है iOS का कंट्रोल सेंटर। अगर आपको एप्पल के कंट्रोल सेंटर को लगाना अच्छा लगता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप इस तरह से इसको बैक करिए, इसके बाद ये ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर iOS कंट्रोल सेंटर का न्यू UI थीम्स वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि अगर हम इसकी बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर हमें ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। इसको आप क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगा। हालांकि यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल सेंटर ओपन होगा। आप इसको अलाउ कर दीजिए, बैक आइए, इसके बाद आप यहाँ से करिए। ये है कंट्रोल सेंटर पहला हमारा, जो आपको देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। हालांकि यहाँ से हम ब्राइटनेस वगैरह को कम तेज या फिर अपनी मर्जी से कस्टमाइज फुल्ली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैं इसलिए अनइंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा कंट्रोल सेंटर इसके अंदर एक्टिवेट करना है। हमारा दूसरा कंट्रोल सेंटर है ओप्पो कंट्रोल सेंटर। ओप्पो के डिवाइसों के अगर कंट्रोल सेंटर आपको पसंद आते हैं तो आप ओप्पो का कंट्रोल सेंटर लगा सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से फटाफट हम सबको परमिशन देंगे तो ओप्पो कंट्रोल सेंटर को यहाँ से अलाउ करेंगे। इसके बाद ओके, इसके बाद बैक आएंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे, अगेन हम कंट्रोल सेंटर को परमिशन देंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, इसके बाद बैक, फिर से इनेबल नोटिफिकेशन, इसको भी हम परमिशन दे देंगे। ओप्पो कंट्रोल सेंटर को अलाउ करेंगे, अगेन बैक, फिर से हम सिम स्टेटस को देंगे, इसके बाद नेक्स्ट। अब हमारे पास ये कंट्रोल सेंटर ओप्पो वाला एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, आपको यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर प्रॉपरली हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। और ये जो ओप्पो का कंट्रोल सेंटर है देखने में कुछ आपको इस तरीके का लगेगा। ये लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये ओप्पो वाला कंट्रोल सेंटर, एक बार आप ट्राई करना। आपको इसका भी डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली इस ओप्पो कंट्रोल सेंटर को यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर और काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है, सेटिंग्स वगैरह है, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको सेटिंग्स को ईजिली करके देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे मिनिमम सेटिंग्स मिलेंगे जिसको आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट है विन 11, इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। ये आपको मिल जाएगा माइक्रो सॉफ्ट के 11 वाले वर्जन की तरह। आप इसको यहाँ पर भी सेम परमिशन देनी होगी, परमिशन यहाँ पर भी विन 11 को ओपन करेंगे, इसके बाद अगेन ओके, फिर बैक, फिर से हमें यहाँ पर दूसरी परमिशन देनी होगी, इसके बाद अलाउ करेंगे इसको, इसके बाद बैक, फिर से परमिशन इसको देंगे हम यहाँ से नोटिफिकेशन की, विन 11, इसके बाद बैक, फिर से हम इसको भी परमिशन देंगे सिम कार्ड की, इसके बाद नेक्स्ट। अब ये जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ये भी ऐड हो चुका है क्योंकि हमने सारी परमिशन वगैरह दे दी है। हालांकि ये उसी का एक वर्जन है, कह सकते हो जो वो वाली एप्लीकेशन थी वैसे सेम ही एप्लीकेशन है। तो आपको इसका कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जो आपको एकदम बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के iOS 11 के जैसा है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन मिलता है, साउंड ईयर फोर ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है कुछ इस वाले लुक में। सो होपफुली गाइज आप समझे होंगे कि ऐसे कंट्रोल सेंटर्स को यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने आपको जो तीनों कंट्रोल सेंटर बताए, तीनों का डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप जाकर डाउनलोड करो एंड एंजॉय करो कंट्रोल सेंटर्स को और मुझे बताना कि कौन सा कंट्रोल सेंटर आपको सबसे अच्छा लगा। एंड गाइज हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।